जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी मंदिर की बात करने जा रहे हैं। अगर आप ज्वाला देवी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ज्वाला देवी मंदिर कैसे पहुंचना है, ज्वाला देवी मंदिर आपको कब जाना चाहिए और कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए, ज्वाला देवी मंदिर के आसपास आपको रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, ज्वाला देवी मंदिर में आपको कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर घूमना है और इन सभी स्थान को घूमने के लिए आपका साधन क्या होगा, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि ज्वाला देवी मंदिर घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको ज्वाला देवी मंदिर जाने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं सबसे पहली बात कि आपको ज्वाला देवी मंदिर कैसे पहुंचना है। दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर पहुंचने के लिए आपके पास तीन बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तो है ज्वालामुखी रोड, लेकिन ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन तक बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं आती हैं। तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, वो है आपका अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन। दोस्तों हालांकि अम्ब अंदौरा के लिए भी आपको ज्यादा ट्रेनें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज्वालामुखी में एक दो ट्रेन जाती है, तो वही अगर अम्ब अंदौरा की बात किया जाए तो अम्ब अंदौरा में आपको लगभग 10 से 12 15 ट्रेनों का परिचालन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका जो नियरेस्ट बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है आपका चंडीगढ़, यानी कि अगर आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ तक आ जाइए और चंडीगढ़ से आपको समय समय पे आपको अम्ब अंदौरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी, और आप अम्ब अंदौरा से जो ज्वालामुखी की दूरी है वो आप टैक्सी के द्वारा या फिर आप बस के द्वारा तय कर सकते हैं, जिसका दूरी आपका 40 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो दोस्तों पहला तो आपके पास ये ऑप्शन था कि आप अम्ब अंदौरा तक आइए और वहां से आप 40 किलोमीटर बाई बस के माध्यम से ज्वालामुखी बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं ज्वालामुखी रोड तक आप जाना चाहते हैं, यानी कि ज्वालामुखी मंदिर जो कैंपस है यानी कि बस स्टैंड कह लीजिए, तो वो आपका लगभग 20 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो अगर आप ज्वालामुखी रोड जाना चाहते हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा पठानकोट कैंट से आपको मिलेगी ट्रेन, यानी कि पठानकोट आ जाइए और पठानकोट से आपको ज्वालामुखी रोड के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जो कि 2 से 2.5 घंटा लगते हैं और आप ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपको बाई ट्रेन से दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, एक अम्ब अंदौरा वाला रूट और एक आपको पठानकोट वाला रूट। चलिए दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है आपका बाई बस। दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको पठानकोट से, चंडीगढ़ से, कांगड़ा से, हर जगह से आपको हिमाचल प्रदेश रोड टूरिस्ट की बसेस मिल जाएंगी, और चाहे तो आप प्राइवेट बस भी जो चलती हैं उनके माध्यम से भी आप ज्वाला देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों अगर आपका ऑप्शन फ्लाइट है और आप ज्वाला देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका कांगड़ा एयरपोर्ट, जो कि आपका 41 किलोमीटर पड़ता है ज्वालामुखी से। तो आप कांगड़ा एयरपोर्ट आ जाइए और कांगड़ा एयरपोर्ट से आप टैक्सी के द्वारा या फिर आप शेयरिंग बेसिस में आप 1 से 1.5 घंटे में आप ज्वाला देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, हम ज्वाला देवी मंदिर पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम स्टे कहां लें। तो यहां पर रुकने के भी आपके पास तीन ऑप्शन पुनः मिलते हैं। पहले ऑप्शन की मैं बात करूं जो कि सबसे सस्ता है, वो है आपका धर्मशाला। दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर जो है, मंदिर के आसपास आपको ढेर सारे धर्मशालाएं देखने को मिलेंगे, जिनका कॉस्ट आपका 250-300 रुपए से शुरू होकर 400-500-600 रुपए तक के ये आपको धर्मशाला देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने लोग उसमें ऑक्युपाइड होना चाहते हैं, आप 2 लोग हैं 3 लोग हैं 4 लोग हैं, इस तरीके से आपको वहां पे धर्मशाला रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है जो आपका सबसे सस्ता है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका प्राइवेट होटल्स का। दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर के आसपास आपको वहां पे कुछ प्राइवेट होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनका कॉस्ट आपका हार्डली 700-800 रुपए होता है पर डे के हिसाब से। तो आप वहां भी स्टे अपना कर सकते हैं। और वही अगर मैं बात करूं तीसरे ऑप्शन की, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की तरफ से वहां पे कुछ गवर्नमेंट होटल्स भी हैं, तो उस गवर्नमेंट होटल में भी आप रुक सकते हैं। वहां की अगर मैं रेट की बात करूं, जो कि एक डिलक्स रूम होती है, तो अगर आप अच्छी सर्विस चाहते हैं तो आप डिलक्स रूम में यानी कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म वाले रूम में रुक सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपका 1500 से 2000 रुपए होता है और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी जो कि एक डिलक्स रूम में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके पास तीन ऑप्शन जो कि आप ज्वाला देवी मंदिर में अगर स्टे करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इन जगहों पे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ अब हम आगे ये भी बात कर लेते हैं कि हमको ज्वाला देवी मंदिर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों हालांकि वहां लंगर चलता है, तो आप तो चाहे लंगर में जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट होटल्स में खाना चाहते हैं या फिर अगर आप भोजनालय रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं तो आप वहां भी जाके खा सकते हैं। कॉस्ट आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी, वही आपका 60-70-80 रुपए थाली के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ जाएगा। वही अगर आप लंगर में खाना चाहते हैं ज्वाला देवी मंदिर के, तो आप वहां भी जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम ज्वाला देवी मंदिर में प्रवेश करते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हालांकि कोई देवी की मूर्ति या फिर किसी भी तरीके की आपको स्टैचू के आपको दर्शन नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे ज्वाला माता के दिव्य ज्योति के आपको दर्शन करने हैं, जो कि हम लाइन में लगेंगे जय माता दी का नारा लगाते हुए हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों बस स्टैंड जो ज्वाला देवी का बस स्टैंड है, उसी के ठीक सामने आपका मंदिर का गेट पड़ेगा, उसी गेट से आपको एंट्री लेनी है। दोस्तों वहां पे आपको ढेर सारे फूल वाले प्रसाद वाले आपको मिलेंगे, तो अगर आप ये सब चीजों में रुचि रखते हैं तो आप वो लेकर माता को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम जय माता दी कहते हुए हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आपको माता के सबसे पहले चरण चिन्ह मिलेंगे, तो इनके दर्शन कीजिए, और आगे बढ़ते हुए हमको माता जी की दिव्य ज्योति का भव्य दर्शन होगा, तो आप
नतमस्तक होइए, जय माता दी कहिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और माता के दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए आप गर्भगृह से बाहर आइए। दोस्तों माता दुर्गा के और भी जो नौ देवी रूप हैं उनके भी आपको यहाँ पे ज्योति देखने को मिलेगी, तो इनके भी आप दर्शन कीजिए। यहाँ भी आपको निरंतर रूप से माता की ज्योत जलती दिखेगी, तो यहाँ भी जाइए, इनके भी दर्शन कीजिए जो कि आपके मंदिर कैंपस में ही पड़ता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको ज्वाला देवी मंदिर कब आना चाहिए और हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर हालांकि आपको नवरात्रि के समय छोड़ के या फिर माता का जो भी पर्व होता है वो सबको छोड़ के अगर आप आते हैं तो आप किसी भी समय आ सकते हैं, क्योंकि माता के मंदिर प्रांगण में जो सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो होती है आपकी नवरात्रि के टाइम पे, और आपको होली के समय पे भी आपको माता के दरबार में भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं इन दो पर्व को छोड़ के आप ज्वाला देवी के दर्शन करने कभी भी जा सकते हैं, किसी भी समय पे आप जा सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, तो दोस्तों एक दिन आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो पांच देवी के मंदिर हैं जिसमें ज्वाला देवी मंदिर, कांगड़ा मंदिर, चिंतपूर्णी माता मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर और आपके नैना देवी मंदिर, तो दोस्तों ये जो मंदिर हैं ये हिमाचल प्रदेश के पांच देवी दर्शन में से आते हैं, तो अगर टूरिस्ट जाते हैं तो ये पांचों देवी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि मैं अपने चैनल पे ये सभी स्थानों की वीडियो बना दूंगा आने वाले समय पे। कुल मिलाकर आप ये समझ गए होंगे कि ज्वाला देवी मंदिर जो है वो आपके लिए एक दिन पर्याप्त है। इसी तरीके से जो पांच देवी दर्शन है वो पांच से छह दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक दिन आप यहाँ स्टे बना सकते हैं और आप प्रस्थान कर सकते हैं अगले देवी दर्शन की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के पांच और अन्य देवी दर्शन है वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको ज्वाला देवी मंदिर में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल पे जाना है और हमको किस तरीके से जाना है। दोस्तों हालांकि आपको ज्वाला देवी मंदिर में आपको ज्यादा ऑटो टैक्सी लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्वाला देवी मंदिर एक छोटा सा टाउन है और मंदिर के पास पास ही आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कुछ ट्रैकिंग करके आपको सभी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, तो आप पैदल ही ये सभी चीजें कवर कर सकते हैं। जिसमें से आपके पहला आता है दोस्तों जो है आपका अकबर का छत्र। दोस्तों हुआ यह था कि जब माता की ज्योति यहाँ जलती थी, तो जब मुगल शासन था तो मुगल शासन के दरमियान अकबर को ये जानकारी प्राप्त हुई कि माता की ज्योति निरंतर रूप से जल रही है, तो उन्होंने अपनी सेना बुलाकर उस ज्वाला देवी मंदिर की दिव्य ज्योति को बुझाने का प्रयत्न किया। लेकिन इतना पानी डालने के बावजूद जब माता की ज्योति निरंतर रूप से प्रज्वलित हो रही थी, तब अकबर को पश्चाताप हुआ कि माता के साथ उन्होंने गलत किया। तो फिर उन्होंने 50 किलो का एक बड़ा सा छत्र माता के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने स्वीकार नहीं किया, और माता ने स्वीकार नहीं किया तो वो छत्र गिरकर एक अलग संरचना ले लिया और एक अलग धातु में परिवर्तित हो गया। तो जिस स्थान पे गिरा और जिस स्थान पे वो अलग धातु में परिवर्तन हो गया, उसी स्थान पे अकबर का छत्र के नाम से आपको एक छोटा सा संग्रहालय देखने को मिले। दोस्तों वहीं पे आपका एक माता का विश्राम गृह है, तो आप वहां भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे माता का विराजमान होता है। तो हर रात यहाँ पे पुजारियों द्वारा, पंडितों द्वारा यहाँ पे माता की सोने की उत्तम व्यवस्था की जाती है प्रतिदिन, और यहाँ पे आपको शेजा भवन में भी जाकर माता जी के दर्शन कर सकते हैं और उनके विश्राम गृह दे सकते हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं, वहाँ पे आपको एक मिलेगा गोरख देवी मंदिर, जो कि आपको थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई करके जानी पड़ेगी, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कुंड मिलेगा, तो इस कुंड में भी आप जाके जल ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करके दर्शन करके अगले स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो कि है आपका लाल शिवालय मंदिर। दोस्तों ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि ये शिव जी की ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि नेपाल से लाके यहाँ पे शंकर जी की पूजा की जाती है, तो यहाँ भी आप जाइए, जिसका नाम है लाल शिवालय मंदिर। दोस्तों इसी के साथ ही साथ आपका सिद्ध नागार्जुन मंदिर मिलेगा, और आपको एक तारा देवी मंदिर भी मिलेगा, जो कि आपको इसमें और थोड़ी सी 250 से 300 सीढ़ी चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको तारा देवी मंदिर विराजमान मिलेंगी, उनके भी दर्शन कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको नवग्रह मंदिर मिलेगी, जो कि भूमंडल के नौ ग्रह हैं, उनके भी आपको दर्शन होंगे, तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए। और अंतिम स्थान की बात करते हैं, वो है आपका टेढ़ा मंदिर। दोस्तों टेढ़ा मंदिर हालांकि ज्वालामुखी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन से जा सकते हैं, या तो आप चले जाइए ऑटो लेके वहाँ टेढ़ा मंदिर जा सकते हैं, जो कि 2.5 किलोमीटर है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास ट्रैकिंग करके। आप थोड़ा सा ट्रैकिंग करके, लगभग आधे से एक घंटे की ट्रैकिंग करके आप टेढ़ा मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों राम जी को समर्पित यह मंदिर, जिसका नाम है टेढ़ा मंदिर, 1905 में भूकंप आने की वजह से यह मंदिर एक तरफ झुक चुका था, इसलिए इसका नाम टेढ़ा मंदिर रखा गया, जो कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए गए थे तो यहाँ पे उनका कुछ समय विराजमान था, तो इसीलिए इसका नाम टेढ़ा मंदिर रखा गया है। और इसी टेढ़ा मंदिर में सीता माता की गुफा है, जहाँ पे सीता माता की आपको स्टैचू देखने को मिलेगी, तो यहाँ भी जाइए और सीता माता के भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों ये थे आपके ज्वालामुखी के कुछ दर्शन स्थल। चलिए अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि आपको ज्वाला देवी मंदिर को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक दिन की ट्रिप बनाते हैं और अगर आप सिर्फ ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि आपका पर पर्सन के हिसाब से 1000 से 1500 रुपए आएगा ज्वाला देवी मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, और अगर आप वहाँ पे कुछ खरीदारी करते हैं तो इसके फेयर को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके बस के टिकट, होटल के खर्चे और आपके अगर जो भी खाने पीने के खर्चे हैं उन फेयर को अगर मिलाया जाए, तो 1000 से 1500 रुपए एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है और आप पूरी ज्वाला देवी मंदिर को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये था पूरे ज्वाला देवी मंदिर का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई विचार है और अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी यात्रावास में विजिट करके आप जो भी आपके प्रश्न है वो मेरे सामने प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और आप किसी दूसरे वीडियो में लीन हो जाएं और उस पे क्लिक करें, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही।
मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के शुक्रिया। जय माता दी। आपकी यात्रा मंगलमय होगी।